तुम नहीं छोड़ सकते। तुम डांस नहीं छोड़ सकते, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं, क्योंकि तुम डांस के लिए बने हो। बस डांस। मैं तुम्हें अनेरी के लिए ऑडिशन करना चाहता हूँ। बोलो, करोगे? तड़पा ही रे Well, सबको अपना पोर्शन याद है? ओके, आई विल सी यू। बाय सर। सर, सर, और हमारे पोर्शन? तुम्हारा पोर्शन तो रेडी है। व्हाट इज इट सर? पेड़ और चिड़िया। सर क्या? उस कोने में जाके जो भी सिखाया गया है वो करना। बट सर, आर वी नॉट गोना डांस? नॉट दिस टाइम स्वीटा, बट यू नो व्हाट, क्लास में हमने जो भी एक्सरसाइज किए है वो पूरा साल प्रैक्टिस करो। And next year, for sure, major part dunga, okay? Sir, हमसे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार छीना जा रहा है, हमसे हमारा डांस छीना जा रहा है। इसको करना पड़ेगा। अरे, तुम डांस नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं, क्योंकि तुम डांस कर लेते हो। बस बस डांस। डुबरी जिया बिन तेरी पिया सुन मेरी तार, मैंने तुझे सिर जी, मेरी दिल क्यों रो रो के खिल क्यों जाता है, तेरी मंजिल को परछाई है तेरी जो पास हो के भी दूर क्यों है रुकी। उसने कहा मैं डांस के लिए बनी हूँ। क्या, ये क्या कह रही है तू? ये कब हुआ? कितने साल कोमा में थी मैं बेबी, और मैं कितने साल की हो गई? और उसने कहा वो मुझे अनेरी के लिए ऑडिशन करना चाहता है। तो क्या कर रहे
तेरी बीवी को क्या हुआ ना? मिखाइल ने इसे ऑडिशन के लिए बुलाया अनिरी के। अच्छा इसीलिए इतनी उड़ रही है ये। मतलब ये ऑडिशन देगी? I don't know. पर अगर इसने ऑडिशन दिया तो मामा जी का क्या होगा? I don't know. मुझे नहीं लगता है कि इसको याद है। इसको याद दिले? नहीं अभी नहीं। अब बेबी तो ऑडिशन दे रही है? नहीं। What? क्या मतलब? मतलब मैंने मिखाइल को मना कर दिया। उसने मना कर दिया? उस बेवकूफ इडियट ने अनेरी के ऑडिशन के लिए मना कर दिया। ऐसे कैसे कर सकती है? Is she mad? Hey, it's fine. एक लड़की ने मना ही तो किया है। मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ सिर्फ शॉर्टलिस्ट लड़कियों पे फोकस करो। एनीवे अब भूल जाओ उसे। ऐसे कैसे भूल जाओ? उसे पता भी है उसने क्या किया है। एक अच्छी डांसर भी नहीं है और मैंने उसे अनेरी ऑफर किया तमीन दी। Hey, relax. तो ऑब्सेसिव क्यों हो रहे हो तुम? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम गलत हो। शायद वो अनेरी नहीं है। और ये भी तो हो सकता है कि वो ही अनेरी। तब तब क्या होगा? मुझे ये जानना है कि वो अनेरी है या नहीं। मैं उसका ऑडिशन करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं बेबी मेरे को एट टाइम फील होता है कि तुझे ना गोवा की फ्रेशर सूट नहीं हो रही है। बेबी ऐसे चांस वैसे बारी बारी नहीं मिलते। क्या तू ये चांस मिस कैसे कर रही है? व्हाट इज रॉन्ग विद यू बकवास गाइस? क्यों मुझे इतना प्रेशराइज कर रहे हो? इसमें इतना सरप्राइज होने की क्या बात है? वैसे भी मैंने कामिनी बुआ से कहा था मैं डांस नहीं करूंगी। तब हाँ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरी कामिनी बुआ को ना मैं ऐसे हजार प्रॉमिसेस करता हूँ लाइक दारू नहीं पीऊंगा सिगरेट नहीं पीऊंगा बट आई डोंट मीन इट। और मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं शादी तक वर्जिन रहूंगी लेकिन नहीं ऐसे प्रॉमिसेस तोड़ने के लिए होते हैं निभाने के लिए नहीं। राइट नहीं मेरे लिए नहीं और ये बात सिर्फ बुआ के लिए नहीं है। पापा को पता चल गया तू इतना क्या सोच रही है बेबी? एक ऑडिशन ही तो करना है कर लेना और किसी को बताने की जरूरत नहीं है प्लीज। और बात की बात बाद में देख लेंगे है ना? नहीं और झूठ नहीं बोले बस कोटा खत्म। ओके फाइन आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। गुड पापा को सच बता दो। Are you mad, Sona? I'm like, what? मेरी बात सुनोगे तुम दोनों? देख, तेरे पापा को ना emotional speech दे, जैसे कि पापा, मेरा एक सपना हुआ करता था। सपने को जी नहीं पाई लेकिन एक बार जीना चाहती हूँ। पापा प्लीज एक महीना दे दो मुझे और मैं अपने सपने को जीना चाहती हूँ नाचना चाहती हूँ उसके बाद आप मुझे MBA जो करवाना चाहते हो करवाओ। और फिर तेरे पापा की आंखों में आंसू आ जाएंगे और फिर वो कहेंगे कि जा बेबी जा जी ले अपनी जिंदगी। लगता है तुम दोनों पागल हो गए हो। पागल खाने फोन करके बोलना पड़ेगा कि दोनों को अंदर करवा लो। जस्ट लेट गो गाइस। अगर पापा को कह भी लिया तो वो हाँ नहीं कहेंगे। तुझे कैसे पता हाँ नहीं कहेंगे? तूने उनसे बात की है क्लियरली। पर तू एक बार बोल के तो देख ना बोलेंगे तो पुरानी वही बीबी बन जाना जैसे अपने सपनों का मर्डर करके आ जाओ। कुछ मे बी हाँ भी तो बोल सकते हैं और अगर हाँ बोल दिया तो तू बन जाएगी मिखाइल की हीरोइन ये है ना? उसने ना कहा कैसे? उसे कोई आइडिया दिया कितना बड़ा चांस मिस करने जा रही है वो? मिखाइल व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक एन अरियल बेल? तुम समझती नहीं हो। तुमने पूछ दिया उसने मना कर दिया कहानी खत्म। नाउ प्लीज मूव ऑन। मुझे उसका एड्रेस दो। नो वे मैं कोई एड्रेस नहीं देने वाली। मेरे पास कैसे होगा? वो तो नेत्रा की असिस्टेंट है ना। दिया मुझे उसका एड्रेस चाहिए। चाहे नेत्रा की फाइल से निकालो कहीं से भी निकालो कुछ भी करो मुझे उसका एड्रेस चाहिए। तो चाहिए हेलो मामा जी। भाई तेरा आइडिया तो कमाल का निकला है।
मुझे पता था कि आप बहुत एंजॉय करोगे, और जहाँ पर एंजॉयमेंट होती है ना वहाँ पर मूड अच्छा होता है, और जहाँ पर मूड अच्छा होता है वहाँ पर सब अच्छा होता है ना बेबी। अरे इंजॉयमेंट तो ठीक है, लेकिन जब दिलीप खाना बनाते हैं ना मेरी पूरी किचन मैसअप हो जाती है, ऑलमोस्ट 3 दिन लगते हैं वापस सेट करने में। उड़ा लो, बहुत मजा उड़ा लो मेरा, लेकिन एक बार मेरा ये पनीर टिक्का रेडी होने दो, तुम अपनी उंगलियां क्या अपने हाथ भी चाट जाओगे। हाँ क्या बात। अच्छा आप जल्दी से प्लेटें लगाओ, डोंट डिस्टर्ब मी एट ऑल। मामा जी वो बेबी को आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बेबी। बोलना बेबी। बैठ बता। मैं कुछ हेल्प करूं पापा आपकी? टमाटर काट दे। पापा आप पुदीने की चटनी नहीं बना रहे? अरे वो तो तेरी मम्मी बना रही है ना। हाँ हाँ बना रही हूँ। पुदीने की चटनी से याद है मामा जी, वो बेबी क्या कुछ वो 1 महीने का कुछ तो बता रही थी ना तू। बोल क्या 1 महीना क्या? हाँ हाँ बोल बेटा। मैं दरवाजा खोल के आती हूँ जी। ये कामनी का ही घर है ना? जी वो मेरी बुआ है। अच्छा तुम बेबी हो दिलीप भाई की बेटी? जी हाँ। आप कैसे जानते हैं? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम बहुत छोटी सी थी जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था। अच्छा बेटा तुम्हारी बुआ है घर पर? हाँ प्लीज आइए ना अंदर प्लीज। हाय कामनी। अनुराग, अनुराग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। प्लीज गो। भैया को नाम नहीं बताया आपका। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाउ डेयर यू। भैया एक मिनट कामिनी बोलो। जी मैं कुछ दिन के लिए गोवा आया हुआ था घूमने के लिए, तो मैंने सोचा अपनी फैमिली से मिलता चलो। किस फैमिली की बात कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी बीवी जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए थे, या वो तुम्हारा बेटा जिसे आज तक तुमने अपनी गोद में नहीं उठाया? फैमिली की बात कर रहे हो और सब कुछ छोड़ के 15 साल के बाद तुम आज आ रहे हो? मॉम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन्हें बोलो यहाँ से चले जाए। बेटा मैं मॉम इनको बोलो कि यहाँ से दफा हो जाए। मिखेल आप कहाँ जा रहे हो? स्वीटी आज हमें पार्टी में जाना है ना उस इवेंट के लिए, डोंट यू रिमेम्बर? हाँ मैं भूल गया था, मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है। एक काम करो तुम चलिए, मेरे लिए कोई एक्सक्यूज बना देना। कम ऑन मिखेल, इनविटेशन हम दोनों के लिए आए, मैं अकेले जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, सो डोंट डू दिस राइट नाउ। तुम डीवा हो, आई नो तुम हैंडल कर लो। आई एम गेटिंग लेट, बाय। भैया रहने दीजिए ना, क्यों पुरानी बातों को। अरे कैसे कैसे रहने दो कामिनी, तुम इस इंसान को डिपेंड कर रही हो? इसको तो धक्के देकर यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं करता हूं। जा रहा हूं भाई साहब। कामिनी वो मैंने कुछ पेपर्स के लिए, थैंक्स कामिनी, आई एम सॉरी। बाय बेटा। मत बोलो उसे अपना बेटा, मत बोलो। उसके बाप होने का हक तुम 15 साल पहले ही खो चुके हो, जब तुम अपनी बीवी बच्चों को यहाँ अकेला छोड़कर वहां मुंबई चले गए थे एक्टर बनने के लिए। तब तुम्हें बेटे की याद नहीं आई? नहीं सोचा उसके बारे में? अपनी बीवी के सारे गहने बेचकर, उसके सारे पैसे लुटाकर, पूरी जिंदगी अपना वो सपने के पीछे भागते रहे, पर एक बार भी पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि तुम्हारी बीवी बच्चों को क्या हाल है? वो जिंदा है कि मर गए? उनके सर पर छत है नहीं है? कुछ नहीं सोचा। आज तुम्हारे इस पागलपन की वजह से 2 जिंदगी बर्बाद हो गई, यू नो डैम इट। और तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम इस चौखट पर आ गए और कामिनी से पैसे मांग रहे हो? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सेल्फिश पर्सन। इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए जिस पे क्रॉस हो गया। और हाँ एक बात और ध्यान से सुनना,
इनकी तरफ अब आंख उठा के बिल्कुल देखना, वरना तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करूंगा मैं। भैया उसे पैसों की बहुत जरूरत थी तो मैंने सोचा कि कामिनी यही तो प्रॉब्लम है कि उस इंसान को सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में पता है। और ये बात तुम कब समझोगी? बंद कर दो उसे पैसे देना। मेरी बात सुन, बैठ। वो अकेले पानी लेकर भाई हूं ना, पूरी जिंदगी तुझे सपोर्ट करता रहूं और बार बार ये कहता रहूंगा कि अनुराग बिल्कुल गलत इंसान है। ये एक्टिंग, ये पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब से करियर नहीं बनता, लाइफ नहीं होती इसमें। हजारों में से सिर्फ एक ही इंसान होता है जो कामयाब होता है, बाकी सब बर्बाद हो जाते। और अगर तू उसके इस पागलपन को बढ़ावा देती रही तो मैं समझूंगा कि तू अपने बेटे से नाइंसाफी कर रही है, झूठ बोल रही है उसको। समझने की कोशिश कर, ये जो सारे पैसे है ना, इनको उसके लिए जोड़, अमर के लिए, उसके करियर के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। उसको एक ऐसा इंसान बना जिसे अपने खुद की जिम्मेदारी का एहसास हो, जो खुद को नहीं बल्कि तुम्हें भी सपोर्ट करे। आ जा कमरे, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, यू विल फील बेटर। कम मुझे ऐसी बेटी नहीं बनना जो पापा का दिल तोड़ती है। आज मुझे समझ आया कि पापा क्यों चाहते हैं कि मैं MBA करूं, सिक्योर करियर बनाऊं, क्यों वो हमेशा मुझे डांस से दूर रखते हैं। और ये सब जान के भी मैं अगर उनके अगेंस्ट जाती हूँ तो I'm gonna hurt him. I really don't want to do that. मुझे डांस को भूलना होगा, खेल को भूलना होगा। बेबी हेलो, इतनी रात को कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। तुम्हारी फैमिली से बात कर। निखिल प्लीज, मैं भी उनसे बात करता हूँ। निखिल अंदर मत जाओ प्लीज, अगर उन्हें पता चला तो मैं एकेडमी कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। तुम ये मत सोचना मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, मैंने सिर्फ तुम्हें एक चांस दिया था जो अब खत्म हुआ। आज के बाद मैं तुम्हें ऑडिशन करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, तुम खुद आओगी मेरे पास, ये दावा है मेरा।